हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम एक कैप एंड शूज का सेट बनाएंगे, मैचिंग सेट बनाएंगे कोम की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। वूल हम यूज़ करेंगे, नीडल हम लेंगे, कोम की हेल्प से हम बनाने वाले हैं और सिजर्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मोटे वाली कोम लिया है और मोटी वाली ही वूल ली है। इससे लुक जो है वो और अच्छा आता है। इस तरीके से हमको ये पैटर्न बनाना है, बहुत इजी है। एक बार ऊपर डालें, एक बार नीचे डालें, इस तरीके से हम इसमें अपने कोम में ये वूल को डालेंगे और ये फंदे बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फंदों को डालते जाएँ और उसको थोड़ा ऊपर की साइड टर्न करते जाएं। तो इस तरीके से हमने फंदे को डाला, एक बार वूल को डाला, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर बैक साइड में लेके जहां हमने ऊपर डाला था वहां नीचे, जहां नीचे डाला था वहां ऊपर, और इस तरीके से हमको ये अपना पैटर्न बनाना है कोम में। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी है। और इस तरीके से हम अपनी सारी लेयर्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने ये इतने फंदे यूज़ किए हैं। अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप फंदे बढ़ा दें, और कोम को भी हमें थोड़ा बड़ा साइज़ का लेना पड़ेगा अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहें। अगर आप स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो आप अपने फंदे थोड़े कम कर दें। तो इस तरीके से देखिए, ये हमने अपनी कोम में जितनी लेयर्स आपकी आ सकती हैं आप उतनी लेयर्स ले लें। तो यहाँ पर देखिए मेरी बन गई है। अब मुझे अपनी वूल को कट करना है और बैक साइड में नॉट लगानी है। तो जो हमने स्टार्टिंग में वूल छोड़ी थी और जो एंड में छोड़ी है, उन दोनों को लेके अच्छे से नॉट लगा दें, 2-3 टाइम्स नॉट लगाएं और फिर एक्सेस वूल को कट कर दें। तो पैटर्न हमारा रेडी है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो हमने नीडल में वूल ली है, यहाँ पे मैंने वाइट कलर की वूल ली है, पतले वाली वूल ली है, और इस तरीके से हमने पहले टॉप से डाउन में डालना है। नॉट हमने इस तरीके से रखनी है, वो निकलनी नहीं चाहिए। फिर हमने नीचे से अपनी नीडल को ऊपर डालना है सेकेंड लेयर में, फिर थर्ड लेयर में हम वापस अपनी नीडल को ऊपर से नीचे डालेंगे, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपना ये पैटर्न जो है कोम का, इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने मोटी वाली वूल यूज़ की थी अपना पैटर्न बनाने के लिए, तो वो नीडल में नहीं आ पाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर की वूल यूज़ की है स्टिच करने के लिए। अगर आप सेम भी कलर की वूल यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इस तरीके से हमने इस पैटर्न को स्टिच करना है। नीचे से अपनी नीडल को ऊपर डालना है। हमको ध्यान रखना है कि सारे फंदे जो हैं वो हमारी नीडल में आने चाहिए। आप लॉन्ग साइज़ की नीडल यूज़ करें तो ईजी रहेगा। और इस तरीके से हम अपनी इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है ये। निटिंग क्रोशिया नहीं आता जिन लोगों को, उन लोगों के लिए बहुत ही यूनिक मेथड है कैप और को अपने कैप और शूज़ बनाने के लिए। लड्डू गोपाल जी के बहुत ही ब्यूटीफुल बनते हैं ये। तो देखिए मैंने लास्ट लेयर अपनी स्टिच कर ली है। अब हम अपने इस पैटर्न को कोम से निकालेंगे। ईजली निकल जाता है ये। तो देखिए ये हमारा पैटर्न बन गया है। अब हम इसको कैप की शेप देंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल क्लोज करेंगे। तो हमारी फर्स्ट और लास्ट लेयर्स जो हैं उनको आपस में अटैच करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि अपनी टॉप को क्लोज करना है, क्योंकि हम ये कैप बना रहे हैं। अब हमको अपना टॉप जो है वो क्लोज करना है। तो जो हमारी लास्ट वाली फंदे हैं उनको हम अपनी नीडल में इस तरीके से लेते जाएंगे और हमारी कैप का टॉप जो है वो क्लोज होता रहेगा। आप इस तरीके से फंदों को लेते जाएं अपने नीडल में। तो देखिए ये हमारा कैप टॉप जो है वो क्लोज हो गया है। कैप की शेप हमारी रेडी हो गई है। तो देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम क्या करेंगे, अपना एक पॉम्पॉम बनाएंगे कैप में लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम एक पॉम्पॉम बनाएंगे। बहुत ईजी है।
हमने वूल को रैप किया अपनी फिंगर में, टू फिंगर में हमने रैप किया वूल को, 10-15 टाइम्स वूल को रैप किया, फिर हमने उसको बीच से टाई किया और अब मैं उसको कट कर रही हूँ। अच्छे से ट्रिम करेंगे हम सब साइड से, हमको एक राउंड सर्कुलर पॉम्पॉम चाहिए। तो देखिए पॉम्पॉम हमारा रेडी है, अब हम इसको अपनी कैप में स्टिच करेंगे। तो नीडल हमने अपनी कट नहीं की थी, उसी की हेल्प से हम इसको स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों कलर के पॉम्पॉम ही अच्छे लगेंगे इस कैप में। तो देखिए इस तरीके से स्टिच हो गया है मेरा, और बैक साइड में ही अंदर की साइड कैप की हम नॉट लगाएंगे और फिर अपनी हम नीडल को कट कर देंगे। तो देखिए पॉम्पॉम हमारा स्टिच हो गया है। यहाँ पे मैं अपने पॉम्पॉम को थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अनइवन लग रहा है, इवन होना चाहिए हमारा पॉम्पॉम। तो इस तरीके से देखिए हमारी कैप जो है वो एकदम रेडी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कैप बना ली है, एक वाइट पॉम्पॉम के साथ और एक पिंक। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए शूज़ बनाएंगे, तो उसी पैटर्न से हम बना रहे हैं, वही मेथड फॉलो करना है। शूज़ के लिए हमें फंदे थोड़े कम डालने हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर के कान्हा जी के लिए मैं 7 फंदे यूज़ कर रही हूँ, और उसी पैटर्न से हमने लेयर्स को बनाना है। तो पहले यहाँ पे मैंने 4 लेयर्स बनाई है, इस तरीके से देखिए मेरी 4 लेयर्स हो गई। अब मैं वूल को कट करके डबल नॉट लगा दूंगी बैक साइड में। और फिर कट कर लूँगी इसको। तो ये मैंने 4 लेयर बना ली हैं 7 फंदों की। अब जो मिडिल के 3 फंदे हैं उसमें मैं वापस से लेयर्स बनाऊँगी। तो क्योंकि हम ये शूज़ बना रहे हैं तो हमको पैटर्न थोड़ा डिफरेंट बनाना है, मेथड वही फॉलो करना है। और इस तरीके से देखिए मिडिल की जो 3 फंदे हैं उनको हमें बनाना है। तो जितने भी आ सके आपके कॉम में उतने आप लेयर्स बनाएं। यहाँ पर मैंने 6 बनाई है, और इस तरीके से हम फिर उसको बैक साइड में डबल नॉट लगा लेंगे और फिर कट कर देंगे वूल को। तो पैटर्न हमारा रेडी है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। अगेन सेम मेथड से स्टिच करना है, पहले नीडल को ऊपर से नीचे डालना है, फिर नीचे से ऊपर डालना है, और इस तरीके से अपनी सारी लेयर्स को हमें स्टिच करना है। बहुत ही इजी मेथड है, देखिए सब लेयर्स को लेते हुए हमें ये स्टिच करना है। तो पैटर्न हमारा स्टिच हो गया, अब हम इसको अपनी कॉम से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पैटर्न बना है, अब हम इसको देखिए इस तरीके से शेप देंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये शूज की शेप बनती है। तो पहले आप एक लेयर को स्टिच करें इस तरीके से, और फिर दूसरे को उसके हम इस तरीके से रखेंगे उसके ऊपर जो हमने फर्स्ट लेयर स्टिच की थी, और बूट्स की शेप देंगे, और इस लेयर को भी हम फिर स्टिच करेंगे। तो देखिए बूट्स की शेप हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पे लगाने के लिए भी एक पॉम्पॉम बनाएंगे। तो यहाँ पे वाइट कलर का पॉम्पॉम बना रही हूँ मैं, आप पिंक भी यूज़ कर सकते हैं। 2 फिंगर्स में रैप करें वूल को, 15-20 टाइम्स रैप करें वूल को, कट करें मिडल में, टाई करें वूल को, नॉट लगा लें, और फिर अपनी वूल को ट्रिम करें पॉम्पॉम बनाने के लिए। तो यहाँ पे बीच में सेंटर में टाई कर लें 2-3 टाइम्स नॉट लगा के, और फिर उसको ट्रिम कर लें। इवनली हमको ट्रिम करना है क्योंकि हमें राउंड शेप का पॉम्पॉम चाहिए। तो पॉम्पॉम हमारा रेडी है, इसको हम अपने शूज में स्टिच कर लेते हैं।
अच्छे से शूज़ में स्टिच करें और फिर बैक साइड में ही हम अंदर की साइड शू की नॉट लगाएंगे और फिर अपनी नीडल को कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने अपने दोनों शूज़ बना लिए हैं। बहुत ही क्यूट बनते हैं ये और बहुत ही ईजली बन जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।